क्या आईपीएल लेने से मोटे हो जाते हैं? क्या आईपीएल का एक साइड इफेक्ट है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा अगर आप एक गोली ले लोगे तो? क्या उसके फ़ायदे से ज़्यादा उसका नुकसान है आपके लिए? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा देखना है, राइट? तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मुझसे एक गर्ल जो थी उन्होंने मुझे डीएम किया, मैसेज किया, पूछा कि मैम मैंने क्या आईपीएल ली थी उसके बाद से ना मेरा वेट गेन हो गया बहुत ज़्यादा, अब मुझे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो गया, मैं क्या करूँ और क्या मेरे को ये उसी से ही हुआ है? तो उसके आंसर के लिए ये वीडियो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन होता है, तो चलो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो आईपीएल है वो क्या है, एक ऐसी पिल है जो आपको किस चीज़ से बताती है, अनचाही गर्भ अवस्था से आपको बचाती है, ठीक है? वो वाली वो गोली है जो क्या होती है एमरजेंसी के लिए हम लेते हैं, जो हमें कब लेनी होती है 72 घंटे के अंदर अंदर। तो कुछ लोग इसको इस नाम से भी जानते हैं कि 72 घंटे वाली गोली। तो जी हम उसके बारे में बात करें, तो उसके अंदर होता क्या है, क्या है चक्कर क्या है उसका, ठीक है? तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, वो एक हार्मोनल पिल है। अब हार्मोनल का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ हार्मोन्स हैं। अब जो वो हार्मोन्स हैं, जो वो हार्मोन्स उसके अंदर है ना, वो होता है या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन, या होते हैं दो हार्मोन मिक्स, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो ही प्रकार की गोलियां होती हैं। अब ये जो हार्मोन है वो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी भी बनते हैं, नेचुरली भी बनते हैं, लेकिन जब इनका लेवल होता है ना वो डिफर करने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती है। अब ये कब कब यूज़ की जाती है, एक तो जैसा कि आपको पता है, जो आपको मेन यूज़ इसका पता है कि अनचाही गर्भावस्था से तो ये आपको बचाएगी ही, ठीक है? उसके बाद और कब यूज़ की जाती है, जब किसी के अंदर पीरियड्स की इररेगुलर पीरियड्स होते हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, तो उन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं क्या, हार्मोनल पिल्स। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे होते हैं, दाने हो रहे होते हैं फेस पे, पिंपल्स, तो उसके लिए भी कभी कभी हार्मोनल पिल्स यूज़ की जाती हैं। तो मतलब इनका चक्कर क्या है, हार्मोन्स इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए तो अब हार्मोन्स हम बाहर से दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, कम होंगे तभी तो दे रहे हैं ना। अगर बॉडी में कम होते हैं, हम चाहते हैं अपने रिजल्ट के लिए कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हमें ज़्यादा हार्मोन चाहिए, तब हम क्या देते हैं, हार्मोनल पिल देते हैं। अब इनका ये पता चल गया किस चीज़ के लिए देते हैं और है क्या उसके अंदर। अब जो ये हार्मोन होते हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा इन पर स्टडी कर ली, बहुत सब कुछ देख लिया, इसका कोई ऐसा प्रूफ है नहीं कि इनकी वजह से वेट जो है वो गेन होगा। मतलब वेट गेन का मतलब क्या है, फैट, बॉडी फैट इंक्रीज हो रहा है, फैट बढ़ रहा है, तो ये दवाइयाँ कोई भी रोल नहीं प्ले करती, या फिर ये जो हार्मोन्स है ये कोई भी रोल नहीं प्ले करते आपका फैट इंक्रीज करने में। मैं ये बता दूं आपको, सिर्फ जो ईस्ट्रोजन है उसका रोल क्या होता है, वाटर रिटेंशन कर देता है वो कभी कभी थोड़ी। अब वाटर रिटेंशन मतलब कि शरीर के अंदर क्या होना, पानी जमा हो जाना। अब गलती कहाँ पर है, गलती है कि अगर ये दवाई रेगुलर बेसिस पे ली जा रही है, बहुत ज़्यादा ली जा रही है, तो वो वाटर रिटेंड करके हो सकता है वो दिक्कत कोस कर रही हो, या फिर आपको उससे कोई और दिक्कत हो रही हो जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? या फिर आप करते क्या है, आप दवाई तो ले लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल जो है वो सिडेंट्री रख रहे हैं, मतलब बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे, अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, या फिर स्ट्रेस जो है, टेंशन है, वो इतनी ज़्यादा हो रखी है ज़िंदगी में कि वो चीज़ें कोस करती हैं आपका वेट गेन, वजन बढ़ाती हैं वो चीज़ें। लेकिन आपका दिमाग में क्या जाती है कि हमने वो दवाई ली थी, वो गोली ली थी, तो हम उस पर ब्लेम डाल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वजह से वेट गेन होता हो। अगर ये आपके दिमाग में क्वेश्चन था, डाउट था, तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। अब ये एक ये सोच के कि हाँ भाई ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये नहीं करना है कि आप उस दवाई को रेगुलर ले रहे हो, तो बिल्कुल प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, रेगुलर बेसिस पे ये पिल्स नहीं लेनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके शरीर के जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोनल सिस्टम है, जो आपकी बॉडी को मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, बार बार बाहर से हार्मोन्स दे रहे हो उसको, कुछ कुछ कर रहे हो, राइट? तो अगर नहीं चाहते हो बहुत ज़्यादा कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, माइन्यूट से भी क्यों करें अपनी बॉडी के साथ, राइट? तो रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें नहीं लेनी आपको, उसकी जगह आप कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ भी आप कर रहे हैं तो, और डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं तब आप ये चीज़ें ले सकते हैं उनकी निगरानी में, कि हाँ उनको पता कितना अमाउंट ले रहे हो, कितने डोज ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, वो आपको दे रहे किसी चीज़ के लिए तो ठीक है, राइट? तो ये चीज़ें कुछ थी, अगर ये था कि उससे वेट गेन हो रहा है, उससे नहीं हो रहा है, आपको ध्यान देने किसी चीज़ पे अपनी लाइफस्टाइल पे, राइट? तो वीडियो से कुछ भी जाना, कुछ भी सीखा, कोई भी डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है वीडियो से क्या सीखा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में येस टाइप करके भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।